है मुझे, बस तुम्हें पता है ना प्रूफ नहीं है मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी। प्रूफ है ना मेरे पास, पर मुझे मुंहजोरी करनी नहीं है। क्या जो है तुम्हें प्रूफ, ठीक लगता है तो कोई बात क्या नहीं प्रूफ है, है? तो कह तो रही हूँ जो तुम्हें ठीक लगता है वो ठीक है, जो तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। लड़ने के लिए बैठी हो? मैं तो प्यार से बात कर रही हूँ। तो ये एक कैसा तो प्यार मुझे से ये बात है, समझ में लड़ाई की नहीं, तरफ जा रहा एक है? तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब भी मैं तुमसे प्यार से बात करती हूँ या फिर किसी से भी मैं प्यार से बात करती हूँ, हर किसी को ये क्यों लगता है कि मैं लड़ रही हूँ। तुम शादी में जा शायद रहे हो किसी, नहीं, गाने बज रहे हैं। तुम्हारे वहां से आवाज आ रही है शायद। अच्छा नहीं, साउंड पता नहीं चल रहा ना, फ़ोन के अंदर से भी आ रहा है, साइड से भी आ रहा है, तो मुझे लगा दोनों तरफ शादियाँ जा रही हैं। और हो बताओ, सकता है लोगों की शादी हो रही है, मेरी कब शादी होगी? जब कुछ तुम सोचा है करोगे शादी वादी का? तुम सोचोगे तभी तो मैं सोचूंगी। मैं तो रेडी बैठा हूँ, जब बोलो तब बारात उठा के ले आऊँ। हाँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, जॉब कंप्लीट पढ़ाई हो जाए, कंप्लीट नहीं हो रही तुम्हारे, 10 साल 20 साल हो जाएंगे, जॉब पढ़ाई भी हो जाए, कंप्लीट नहीं हो रही। जॉब हो जाए, पढ़ाई हो जाए, कल को उसके बाद। बोलोगी थोड़ी आधी जिंदगी जी लूँ अपनी, हाँ, इंसान को 50 साल 60 साल में मेरे शादी हिसाब करना से आराम से। इंसान को 30 की उम्र में शादी करनी चाहिए। पागल हो गया, 30 की उम्र शादी कर क्या करोगे? आराम से 40 में करेंगे शादी। नहीं, 40 चालीस ज़्यादा भी हो रहा थोड़ा है। जल्दी हो गया, पैंतालीस तुम कितने साल के हो, में करेंगे एक्चुअल शादी। एज तुम्हारी कितनी है? मेरी एज छोड़ो कितनी भी है, मैं कह रहा हूँ ना आराम से 50 में शादी करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 50 में 65 में मुझे कोई दिक्कत नहीं मस्त है। जोड़ी जमेगी, 50 65 में शादी हाँ करेंगे हाँ लोग। मुझे कोई दिक्कत नहीं, 50 में करो, 65 में करो, कभी भी करो। तुम्हें तो दिक्कत है ही नहीं, तुम्हें शादी ही नहीं करनी है ना, जब भी तो तुम्हें मैंने दिक्कत कब नहीं बोला हो। कि मुझे शादी नहीं करनी है? जब भी शादी बोलो, स्टडी खत्म हो जाए, पहले तुम आई थी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए, अब MSc खत्म हो जाए, उसके बाद PhD खत्म हो जाए, 2 साल के बाद PhD मैं, खत्म होने के अच्छा बाद, मेरी बात सुनो, PhD खत्म होने के बाद उमंग जॉब लग जाए, जॉब लगने उमंग जॉब करते करते 2 साल हो जाए करीब, 2 साल बाद उमंग जॉब का थोड़ा प्रमोशन हो जाए, 2 साल के बाद प्रमोशन मैं, होने का उमंग थोड़ा घूम लूँ मैं जॉब के पैसों से। 2 साल के बाद मैं अपने आप शादी के लिए मम्मी पापा को बता दूंगी। जब तुमने 3 साल पहले बोला था, अब मैं 2 साल बाद बोल रही हूँ। कहते रहो ये 2 साल वाली लाइन तुमने 3 साल पहले बोली हाँ, थी, तो ये अब बोल रही हूँ। और अब ये 2 साल जब ख़त्म होंगे उसके बाद फिर तुम क्या बोलोगी, 2 साल और? इतना अंधेरे में तो भाई लाइट ने भी नहीं रखा मुझे कभी, नहीं, मैं तुम्हें अंधेरे में रख नहीं रही हूँ, तुम अंधेरे में खुद ही रह रहे हो। पता नहीं, नहीं, तुम खुद रह रहे हो मैं तो नहीं अंधेरे रह में, रहा हूँ नहीं तुम खुद ही रह रहे हो अंधेरे में, मैं फिलहाल, मतलब। तो तुम अंधेरे में रखे आ रही हो, 2 साल बोला, 3 साल हो गए, अभी 2 साल और। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें सिर्फ अंधेरे में रख रही हूँ, तुम्हारे साथ लॉयल नहीं हूँ, हाँ मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती मैंने हूँ, इतना कुछ नहीं बोला, उस टाइम पे तुम कोई और लड़की पसंद कर लेना, किसी और से शादी एक ही कर लाइन लेना। है बोलने के लिए, हैं? अरे तो तुम्हें जब जमे तो ट्रस्ट नहीं है, चलाओ, नहीं जमे तो हटाओ। अरे जब तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ट्रस्ट के बाद तुम्हारे तुम्हारे अल्फाज थे ना, 2 साल बाद शादी अरे तो करूंगी, आप स्टडी को और आगे कहाँ आगे बढ़ा करने की तो मन स्टडी है? तो इंसान की कभी स्टडी तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इंसान जितना चाहे उतना पढ़े, डिग्रियां तो जितनी मिले उतनी कम। मैं शादी के बाद भी पढ़ूंगी, और शादी बाद भी पढ़ना, पढ़ते ही रहूंगी मैं तो। पढ़ती ही रहना तो। लेकिन फिलहाल तो ये बताओ कब तक, कौन सी पढ़ाई पे आके तुम शादी करोगी? 2 साल बाद मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगी। 2 साल बाद मम्मी पापा को बताओगी, फिर 2 साल और मांगोगी क्या? मम्मी फिर पापा दो साल क्यों बताया मांगूंगी? स्टडी आगे बढ़ाने के लिए, नहीं, पागल हो मम्मी क्या पापा तुम? कहेंगे ना अब इतना पढ़ लिया तो PhD करने के बाद ही शादी करी हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शादी PhD की बात करोगी कि पहले PhD से पहले, शादी करोगी? चलो फिर ठीक है। PhD कुछ नहीं, और नहीं करनी बताओ। PhD, नहीं करनी, नहीं, चौथी फेल औरत, तुम हो गए चौथी फैल आदमी, मैं तो मैं तो नहीं। 3री फेल हूँ, तुम्हें पता नहीं है, बताया तो था फर्स्ट चल डेट पे पापा, ही एक बताया भी था। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी तो कर सकते हैं कि तुम PhD करी हुई है, चौथी फेल, क्या मेल, क्या मेल किसका क्या मेल, हम दोनों का, जैसे कि चौथी फेल और मैं PhD करी हुई, हाँ तो शादी कर रही हूँ तुम मुझसे, हाँ तो तो मतलब क्या देखा तुम्हें लड़के में? क्या देखा लड़के में, तो मैं वो वाला डायलॉग मारूंगी, नहीं पापा मैं इससे प्यार करती हूँ, नहीं ये क्या चौथ देखा चौथ मतलब क्या है, क्या देखा मतलब अरे क्या है? तुम सीरियस वे में मत ले जाओ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, पापा बोलेंगे नहीं कि तुमने स्टडी इतनी कर रखी है और हाँ वो सो चौथी व्हाट, फेल, अरे तो चौथी इसका क्या फेल। लॉजिक बनता है कि तुमने स्टडी ज़्यादा कर रखी है, मैं चौथी फेल, इसका क्या लॉजिक बनता है? अरे भाई, सब देखा जाता है, क्या सब देखा जाता है? सब ऐसे तो देखा फिर सब जाता है, देखो, फिर क्या देखो? मेरी सैलरी तुमसे 10 गुना ज़्यादा है, मैं तुमसे 10 गुना ज़्यादा कमाता हूँ फिलहाल, तो अच्छा 10 गुना क्या हूँ, मैं तुमसे इतना 80 आ गया हूँ, तो फिलहाल तो तुम कुछ कमा ही नहीं रही हो। अच्छा ठीक है, आज जब जैसे घर पे आऊँगी मैं तुम्हारे, तुम्हें घर का भी संभालूंगी अगर हो और एक बात सका। बोलूँ, तुम्हारे पापा बेचारे जिस हिसाब से अब तुम बोल रही हो ना, मैं PhD, तुम्हारे पापा के बाद अभी घर में निचोड़ के ना 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए निकालने में, भाई साहब तुम इतना सोचोगे, समझ रहे हो? और ये बात सच्चा है कि झूठ है?
हाँ फिर आगे। तुम्हारी फीस भी कितनी मुश्किल से जा पा रही है, तुम्हें ही बताया, मुझे ही बताया। और जो तुम बोल रही हो ना PhD, तो PhD के हिसाब से अगर तुम्हारे पापा लड़का ढूंढने लगे ना कि मेरी बेटी ने तो PhD की है, लड़का होगा मेरी बेटी के लेवल का, हाँ आगे तो वो जो बताओ। लड़का मिलेगा ना वो दहेज भी अपने लेवल का मांगेगा, जरूरी नहीं है 15 हर लाख कोई दहेज रुपए, ले, 20 लाख जरूरी नहीं है रुपए, हर कोई दहेज ले, 25 लाख रुपए दहेज जरूरी चाहिए नहीं है मुझे। हर कोई दहेज ले। अच्छा, तो मैं तो दहेज नहीं ले तो रहा आप हूँ ना, पेपर पे नहीं लिखा है तो कि मैं हर नहीं कोई ले रहा हूँ दहेज ना, मैं लेगा। नहीं ले रहा हूँ। नहीं एक्चुअल में अगर कोई पापा दूसरा लड़का देखेंगे तो जरूरी नहीं है वो दहेज ही लेगा। अच्छा, क्यों नहीं दोगे, क्यों लेगा? क्यों नहीं दोगे? तुम क्यों नहीं ले रहे हो? जब तुम सारी चीज़ें देख रहे हो, तुम सामने वाले का पैकेज देख रहे हो कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, ये 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और ये चौथी फेल है तो इससे शादी नहीं कराऊंगा, तो मैंने कब सामने वाले की बोला फिर शादी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर, कराओ। अरे मैंने कब बोला शादी नहीं कराऊंगा? मैंने ऐसा तो बोला नहीं, पापा ऐसे बोलेंगे। मैंने सिर्फ एक बात रखी कि पापा ऐसा भी बोले हाँ तो मैं बोल दूंगा, तो की गुंजाइश हाँ तो रखी है मैं तो मैंने। बोल रहा हूँ ना, बोला कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे शादी कराओ, दहेज भी पढ़े लिखे को देना आप भर के, कोई दिक्कत नहीं है। कंपल्सरी नहीं है हर कोई दहेज ले। हाँ तो कंपलसरी नहीं है कि PhD वाली लड़की को चौथी फेल लड़के शादी नहीं करनी चाहिए? हाँ अरे तो मैंने तो दोनों में ही कुछ नहीं तो तुम्हारे बोला। पापा को क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए, मैंने पापा ने क्वेश्चन किया, मेरे पापा ने। तो तुमने भी क्यों किया? अरे तो क्वेश्चन हर चीज का होता है, हाँ तो आंसर भी हर चीज़ का होता है फिर, ये तो फालतू लड़ाई करने वाली बात है। ये क्वेश्चन भी फालतू का ही है। और बताओ। हो गई बहस पूरी तुम्हारी, नहीं मुझे पता है ना तुम मुजोरी में हारोगे नहीं, अब मैं तुमसे क्योंकि मैं जीतने रियलिटी जाऊंगी। रियलिटी बोलता हाँ हूँ तुम मैं। तो हर चीज़ रियली बोलते हो, बाकी सब फेक बोलते हैं। सही बात है, और बताओ। लड़का तुम्हें अच्छा अभी मतलब, टिप्पणी देनी बाकी थी, हाँ वही मैं सोच गया टिप्पणी नहीं दे रहे हो तुम। ऑब्वियसली दूंगा, हाँ दो दो लड़का दो। अगर महीने के 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है तो तुम मुंह पे रिजेक्ट कर देते हो, 30-40 हज़ार से क्या होता है, क्या होता है? सरकारी जॉब होनी चाहिए, 1.5-2 लाख रुपए पैकेज होना चाहिए लड़के का, और फिर तुम उसको दहेज देने में बोलते हो दहेज ले रहा है, बताओ कैसा इंसान है? तो भाई एक बात बताओ यार, जो 30-35 हज़ार रुपये कमा रहा है लड़का वो इंसान नहीं है भाई? 30-35 हज़ार रुपये तो कमा कब रहा है वो कहा किसी इंसान ने नहीं भी है। जानवर है वो? नहीं तो मैं तुम्हारी नहीं, बहुत लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन रखा था तोगा, तुमने इतनी बड़ी टिप्पणी ये सुना दी फालतू इस का पे। अब क्वेश्चन था। चाहे तुम फालतू को समझो चाहे काम का समझो, मैंने सिर्फ एक टिप्पणी रखी थी। अच्छा अभी तुम्हारी एक फ्रेंड की शादी हुई है ना, तुमने बताया था 8 में वो फेल हो गई थी, हैं? उसकी शादी हुई है सरकारी जॉब वाले से, फिर उसके पापा ने सवाल किया था उस लड़की से कि मेरा बेटा तो सरकारी जॉब करता है, इतना पढ़ा लिखा है, तू 8वीं फेल, शादी क्यों कराए हम? उनकी मैरिज लाइफ पे या फिर उनकी शादी पे टिप्पणी करने बैठे हो यहाँ पे तुम? नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, टिप्पणी करने बैठे हो मैं बात कह रहा हूँ यहाँ ना पे? मैडम। मैंने हमारी बात करी थी। हाँ तो मैं पापा से मैं बात करूँगा अच्छी तरह से, वो तो मीन अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरह से, टेंशन मत लो, मैं वो नहीं बन जाऊँगा धड़कन पिक्चर का, वो कौन क्या नाम था उसमें, उसका क्या नाम था, अरे वो धड़कन देव पिक्चर, देव, देव नहीं बन जाऊँगा मैं। क्या आप मेरी चप्पल देख रहे हैं? चप्पल, हाँ देखो गोबर लगा हुआ है इस पर। कितने गंदे हो तुम यार। नहीं उन्होंने बोला था फटी हुई चप्पल है, सिलवा के लाया हूँ, सीले सिलवा के देख, लाया कीले लगी है, सीले देख रहे हैं आप। यार वह उसका बाप सही था उस लड़की का, जब उस लड़की का, उस फटी चप्पल से ज़्यादा उसकी बोल ही देखो, अरे जब ऐसा उसका लग रहा बाप था वो सही था तो रिजेक्ट ही, मेरे पापा क्यों गलत है? वो जानबूझ के रिजेक्ट ही होने आया था, ये बिट्टी रिजेक्ट कर रहा है वो कि नहीं कर रिजेक्ट रहा होने नहीं आया था, वो अपनी रियलिटी सामने रख रहा था कि भाई मैं ऐसा हूँ, तुम मुझे ऐसा एक्सेप्ट है। कर रहे हो तो इंसान एक ठीक। गरीब होता है वो अलग बात है, नहीं उसमें घमंड वाला गरीब था, नहीं वो घमंड घमंड भी वाला। होता है वो एक अलग बात है, वो तो अकड़ दिखा रहा था, एक बोलने की तहजीब होती है यार। अरे उसके दिमाग में और उस वो जो हीरोइन का बाप था उसने इसलिए उसको रिजेक्ट नहीं किया कि वो गरीब था, उसने इसलिए रिजेक्ट किया था कि वो बदतमीज था। हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ ना नहीं तुम बदतमीज कहो, तुम तो बहुत अच्छे हो, या तुम तो बहुत इनोसेंट हो। कहीं मैं ऊंची आवाज में बात की तुमसे? नहीं नहीं तुमने कहा कभी मुझसे ऊँची आवाज में बात करी? तुम तो नहीं तो बहुत थैंक अच्छे हो, यू मोस्ट वेलकम। जी। और और क्या फिर देखो, क्या देखूँ? अब तो मेरा पेट भी भर गया यार, किसी की शादी वादी में जाने लायक नहीं रहा हूँ, देखो एक बात बोलूँ, 1 महीना हो गया शाही पनीर की सब्जी और तंदूरी रोटी खाने का मन हो रहा है। तुम एक चीज़ बोलना भूल गए, क्या मैंने पूछा था प्यार क्या है। देखो तुम बार बार कहते हो मेरा पेट भर गया है, मेरी थाइज ऐसी, मेरा फेस ऐसा, मेरा कलर ऐसा। देखो इन सब, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, इंसान का सिर्फ नेचर मैटर करता है, वो कितना तुमसे प्यार करता है, कितनी तुम्हारी केयर करता है, जी, कितना तुम्हारे लिए लॉयल है, ये सब चीज़ें मैटर तो करती है। ये और मुझे जो जो पता है प्यार करता है उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं ना, सामने वाले बंदा थोड़ी देखेगा,
क्यों नहीं देखेगा? अगर वो भी तुमसे प्यार करता है तो देखेगा ही, ऑब्वियस सी बात है अरे यार। यार, देखो मैं डिब्बा की शादी में जा बात, रहा हूँ, वहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं, क्या सब मुझसे प्यार करते हैं? कैसी लॉजिक तो वाली बातें सबसे नहीं तुम्हें करते क्या हैं? मतलब है? अच्छा, सबसे तुम्हें कोई मतलब है? फिर तो हमें कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अरे सबसे तुम्हें मतलब है? कहता हूँ, फिर तो हमें कपड़े भी अरे नहीं पहनने देखो चाहिए। हमें सबसे क्या मतलब? ऐसे चले जाओ बिना कपड़े के। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे हमें क्या मतलब? अरे देख रहे हैं, जैसा देख रहे इतना हैं। भी मतलब नहीं रखना, और इतना भी